हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टेकिंग नॉलेज में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं देश और दुनिया से जुड़ी कुछ नई टेक अपडेट्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे द्वारा पूछे गए पिछले पोल के बारे में। दोस्तों जिसमें मैंने पूछा था कि आपने हमारे YouTube चैनल द टेक्निकल नॉलेज को सब्सक्राइब किया है या फिर नहीं किया है, तो दोस्तों आज आप में से जितने भी लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया है उनमें सभी ने बोला है कि हाँ यहाँ पर हमने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज का मेरा सवाल आपके लिए ये है, जिसको कि आप आई बटन पर क्लिक करके बताइए कि मुझे एक हफ्ते में कितनी वीडियोस डालनी चाहिए, मतलब एक वीक में मुझे कितनी वीडियोस आपके लिए अपलोड करनी चाहिए, 1, 2, 3 या 4। दोस्तों आप जरूर बताइए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी वो उसको मैं जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों यहाँ पर जो पहली अपडेट है वो है यहाँ पर व्हाट्सएप के न्यू फीचर PIP के बारे में। दोस्तों यहाँ पर PIP से है पिक्चर इन पिक्चर मोड। दोस्तों यहाँ पर जब भी व्हाट्सएप पे आपके पास कोई लिंक आती थी यूट्यूब वगैरह की वीडियोस की, तो जब आप उस लिंक पे क्लिक करते थे तो यहाँ पर आपका व्हाट्सएप बैकग्राउंड में चला जाता था और यहाँ पे आपका यूट्यूब ऐप ओपन हो जाता था जिसमें कि जो वीडियो है वो प्ले होना शुरू हो जाता है। दोस्तों लेकिन इस PIP फीचर्स के आने के बाद जब भी आप किसी व्हाट्सएप पर आई हुई यूट्यूब की लिंक को ओपन करते हैं तो वहां पर एक छोटी सी विंडो ओपन होगी जिसमें आपका वीडियो जो है वो प्ले होना शुरू हो जाएगा, और उसके साथ ही आप व्हाट्सएप पर अपना जो भी वर्क है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो अगली अपडेट है वो है यहाँ पर एंड्रॉइड पी के बारे में। दोस्तों गूगल ने एंड्रॉइड पी का ऑफिशियली नाम अनाउंस कर दिया है, जो कि पी से होने वाला है एंड्रॉइड पाई। दोस्तों ये जो अपडेट है वो इसके पिछले ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड ओरियो से काफी ज्यादा अपग्रेड होने वाला है, और दोस्तों इसमें जो है AI को काफी इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है, उसको काफी ध्यान रखा गया है। दोस्तों यदि इसके मेन फीचर्स की बात करें तो उनको 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें की होता हो गई इंटेलिजेंस, सिंप्लिसिटी और साथ ही डिजिटल वेलबींग। दोस्तों इसका जो अपडेट है वो यहाँ पर गूगल पिक्सल में आ चुका है, लेकिन दोस्तों देखना ये है कि ऐसा कौन सा ब्रांड है जिसमें एंड्रॉइड पी आउट ऑफ द बॉक्स हमको देखने को मिलता है। दोस्तों अगली अपडेट है वो है यहाँ पर क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 600 सीरीज के नए प्रोसेसर के बारे में, जो कि है 670। दोस्तों यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि यह 660 से काफी ज्यादा फास्टर होगा, जो कि 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा। और दोस्तों इसकी जो खास बात है वो ये है कि इसमें यहाँ पर इस प्रोसेसर में AI को काफी इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है, यहाँ पर AI को काफी ध्यान में रखते हुए इस प्रोसेसर को डिजाइन किया गया है। दोस्तों इसके बाद जो अगली अपडेट है वो यहाँ पर मोटोरोला के न्यू हैंडसेट के बारे में। दोस्तों 15 अगस्त को चीन में मोटोरोला अपने 3 स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है, जो कि है मोटोरोला P30, मोटोरोला P30 प्ले और मोटोरोला P30 नोट। दोस्तों अब देखना यह है कि ये भारत में ये हैंडसेट आते हैं नहीं आते हैं, और आते हैं तो मोटोरोला क्या कमाल करता है हैंडसेट के साथ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और साथ ही आपसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ में बेल आइकॉन उसको दबा दीजिए, जिससे मेरी कोई भी वीडियो अपलोड होगी उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगी आपके पास। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।